नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक हेल्दी स्नैक है जिसे आप कभी भी खा सकते हैं और आप इसे ऑफिस या कॉलेज भी ले जा सकते हैं, जो कि हम बनाएंगे मखाने से, जिसे लोटस सीड भी कहते हैं। ये मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है और इसे खाने से ना ही सिर्फ आपकी भूख मिटेगी बल्कि आपको ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि शायद ही आप जानते हों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हमने यहाँ पर एक बाउल मखाने लिए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं मखाने खाने से होने वाले फ़ायदे। मखाने में सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम बहुत ही कम होता है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और हाई बीपी के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसलिए शुगर पेशेंट्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके गुणों के कारण ही इसे काजू, अखरोट और बादाम से भी ऊपर माना जाता है। साथ ही इन्हें खाने से हार्ट और किडनी भी हेल्दी रहते हैं। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट सिर्फ एक फूड में होने के कारण इसे गॉड फूड भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मखाने की ये हेल्दी नमकीन रेसिपी। मखाने की नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसे मैंने गरम कर लिया है और अब इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी डालूंगी। आप चाहें तो न्यूट्रलाइट बटर भी, जो कि बहुत लाइट होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। घी गरम हो जाने के बाद इसमें हम ये 1/2 चम्मच राई डालेंगे और इसमें राई जब चटकना शुरू हो जाए तो अब इसमें मखाने डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके अब इसे रोस्ट करना शुरू करेंगे। जब आप पैन में मखाने डालेंगे तो वो कुछ इस तरीके के होंगे कि वो आपके हाथ से प्रेस हो सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने दबा रही हूँ तो ये आराम से दब रहे हैं। तो इनकी ये पहचान है कि जब ये रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से तो ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे। वो जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी वजह से इसे यूज़ किया जाता है। अब इसे थोड़ा टॉस करते हुए रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें, आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। अगर आप इसे हाई कर देंगे तो इनके जलने का डर रहेगा। अब इसमें 1/4 कप रोस्टेड चना ऐड करेंगे। चना खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन मिलता है और इससे पेट भी भरा हुआ रहता है। और ये हमने थोड़ी सी रोस्टेड मूँगफलियाँ ऐड करी हैं, इसमें लगभग 1/4 कप का भी आधा पार्ट। मूंगफली खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर बना रहेगा और साथ ही इसे खाने से दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होने का भी खतरा कम हो जाता है। तो ये बहुत ही हेल्दी स्नैक मैं तैयार कर रही हूँ। अब इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच पुदीने का पाउडर। पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मखाने के स्नैक्स के साथ, तो आप इसे भूलिएगा नहीं। 1 चम्मच चाट मसाला और इसे मखाने के साथ रोस्ट करेंगे। स्नैक अभी मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी और ऐड करूंगी, ताकि जो मसाला है वो मखाने, मूंगफली और चनों के ऊपर कोट हो जाए। और ये नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार और इसे ऐसे थोड़ा सा टॉस और करेंगे ताकि इसमें आसानी से मसाला मिल जाए सारा। मखाने रोस्ट हुए या नहीं, ये देखिए, इनका चेक करने का तरीका ये है। इसको हाथ में लेकर इस तरीके से मैंने प्रेस किया है और ये देखिए किस तरीके से ये क्रंची हो चुका है। तो यानी कि हमारी नमकीन तैयार हो चुकी है। तो बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे और एक बाउल में इसे सर्व करेंगे। ये हमारी टेस्टी मखाने की नमकीन तैयार है। ना ही सिर्फ ये हेल्दी है बल्कि आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ऑफिस ले जाएं, स्कूल में बच्चों को दे दें या फिर अपना कॉलेज में भी ले जा सकते हैं। तो आप इसे घर पर फटाफट से बनाएं और बाहर के बेकार स्नैक्स खाने से अच्छा है कुछ हेल्दी खाएं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।